तो आज हम लोग वन वन करने वाले हैं स्टॉन के साथ। इसके पास ज़्यादा लीचिंग है, इसके पास एक लीचिंग 3 है और शायद 2 लीचिंग 2 है और बाकी सब लाइफ स्टील 1। और मेरे पास तो यहाँ पर सिर्फ एक फुल सेट है लाइफ स्टील 1 का, मतलब 13 से तो ज़्यादा ही है बट हाँ 14 से कम है। और इसके पास तो वही 16 के लगभग, 16 से भी ज़्यादा भी। और वही मैं चाह मुझे बहुत जल्दी आवा प्रोटेक्ट 3 का फुल सेट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ 3 प्रोटेक्ट ही चाहिए और फिर शुरा 3 का, और फिर यहाँ पर हमारा लीचिंग तो नहीं, लीचिंग 2 भी मिलना बहुत हार्ड पता लगता नहीं है। और ये भी यहाँ पर मैं रूल्स लिखा देता हूँ, ये रिपेल में ऐसे ही दिखाते रहा। तो आज हम लोग इसके साथ 1v1 करने वाले हैं, तो सीधे मैं आप लोगों को यहाँ पर मैच मिल जाएगा। ओके तो मैं यहाँ पर प्रिपेयर, भैया एमरल्ड्स ले रहा है, एमरल्ड्स अलाउड नहीं है, वैसे मैंने गो बोल चुका हूँ उसको भी। भैया अरे भाई कैसे कहीं भी जा रहा है सीरियसली, अभी इसको बताता हूँ मैं। अरे जल्दी आ जाओ ऊपर, अब ये गया। वैसे मुझे पता नहीं कि वैसे ये भी मार सकता है, इसके पास ज़्यादा लीचिंग है। मैंने कभी इससे ज़्यादा पीवीपी नहीं की है, कभी पहले कभी की हो भाई, अभी भाई अभी करना ना मेरे अब पीवीपी। अरे ये तो नूब है, मतलब इतना भी नूब नहीं है, स्टाइल की करने की कोशिश कर रहा था बट सीरियसली भाई क्या देखो, वो बोल रहा है कि मैं उसको टच भी नहीं कर पाया। अब देखो ये लैग तो था नहीं, आप लोगों को पता ही है, वेल सैड तो है। और मैंने गोल्ड स्वॉर्ड की इसमें अनइक्विप कर दी है, छोड़ो। हाँ मैं फिर से हम लोग एक पीवीपी करने वाले हैं, तो अभी मैं सीधे मेन सीन पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पहले ये भी बता देता हूँ कि टोटल 10 राउंड थे, पहले मैंने सोचा था 8 राउंड रखेंगे पर आप 10 रखते हैं, और 10 में से जो जो भी ज़्यादा जीतेगा, जैसे कि मैं जीत गया, जैसे कि वो जीत गया 6 बार तो वो जीत जाएगा। तो हाँ ठीक है, मैं सीधे पीवीपी का दिखाता हूँ। अभी मैं इसके गोल्डन एप्पल्स के साथ एक चीज़ करने वाला हूँ, पहले तो देख लेते हैं कि गोल्डन एप्पल्स, ये बोल रहा है कि इसके गोल्डन एप्पल्स दो, तो मैं उसको लिखता भी बस गोल्ड उसका गोल्ड उसका सीरियसली मैंने गोल्डन एप्पल फेंक दिया लॉल। अब मैं उसको लिखता भी बस एप्पल्स उसको लग रहा है कि मैं मजाक। अरे यार ये टीम में था पर मैं लिखता हूँ उसको उसके गोल्डन एक तो मैंने ही खा लिया एक वर्ड और यहाँ पर वही भाई भाई पी पी स्टार्ट हो चुकी है, पी पी। अरे मैं जीत गई सीरियसली, इसके पास मुझसे ज़्यादा लीचिंग है तो भी है, मुझे सीरियसली मैं इतने इजी कैसे जीत सक, मैं चीटिंग क्यों। मैं आज तक अभी तक प्रोटेक्शन भी अपग्रेड नहीं किया है और डायमंड्स भी नहीं लिए हैं भाई, कैसे कैसे। मेरे पास फ्लेम भी नहीं है, मेरे पास गोल्ड इंक्रीज भी नहीं है, इसके पास तो शायद गोल्ड इंक्रीज भी है भाई, कैसे चीटिंग की मैंने भाई। भाई मैं जीत पा, अगर उसने कुछ ऐसा किया होगा, ऐसे पता नहीं जो भी किया होगा तो बात अलग है। और अभी मैं सीधे दूसरे राउंड तक ले जाता हूँ, वो तीसरे राउंड आने वाला है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको गोल्डन स्वॉर्ड भी दे दिए भाई। स्टार्ट पीपी आ कर रहा है, स्वॉर्ड उठाई भाई इससे, अच्छा आप समझा, इससे स्वॉर्ड इफेक्ट इक्विप किया इसलिए इसको कम लीचिंग मिल रही है सीरियसली। वैसे तो भी इसके मेरे पास ज़्यादा लीचिंग है, मुझे नहीं पता कि कितनी कम मिलती है, हो सकता है कि मुझसे कम हो, अभी मुझे बाद में बताऊँगा। देख मुझे तो मैं सोचता हूँ उसको खुद पता चलना चाहिए, उसको खुद, मैंने उसको पहले एक बार बताया था, उस समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, पर उस समय मैंने बताया था उसको कि स्वॉर्ड इफेक्ट से कम लीचिंग मिलती थी, उस देखते कि उसको कब पता चलता है। तो यहाँ पर अभी राउंड 4 भी बहुत जल्दी होने वाला है, 10 में से 4 अभी उसको, उसको स्वॉर्ड चाहिए। मैं उसके लिए स्वॉर्ड लेके मैं उसको ऐसे ही प्रोटेक्ट, मेरी मुझे उसके साथ तंग करने में मज़ा आती है, मैं उसका गोल्डन, अभी मुझे ये चीज़ में सबसे मज़ा इसलिए आई क्योंकि मैंने उसका गोल्डन एप्पल्स उसके वॉइड में फेंक दी, एक तो खा लिया लॉल। ओके
ओ भाई ये चीटिंग, भाई मुझे इतने जल्दी गो लिखने की क्या जरूरत, भाई मैं मर सकता हूँ भाई, ये चीटिंग हुई। ओ भाई अभी भी मैं इसको मार रहा हूँ, इजी। वैसे सच बताओ इतना इजी भी नहीं था, क्योंकि उसने मुझे पहले ही अटैक कर दिया। अभी स्टार्ट, सीधे स्टार्ट लिख के इसको पता चलता है अभी है कि नहीं। अब मैं समझ चुका हूँ, अभी मैं इसको बताता हूँ, मैं सीधे स्टार्ट लिख दूंगा ना, फिर पता चलेगा इसको। अभी मैं उसको ऐसे मजाक में लिखता हूँ कि मैंने उसके गोल्डन एप्पल्स खा रहा हूँ, मजाक में लिख देता हूँ। और वैसे मैं फिर बाद में मैं मजाक में लिखता, फिर मैं बोल दूंगा कि जोक कर रहा हूँ, असल में तो मैंने आपको पता ही है कि मैंने उसके गोल्डन एप्पल के साथ क्या किया है। इसके पपट को इसके, अभी मैं लिखता हूँ जस्ट जोकिंग, मैं गोल्ड दे देता हूँ, मेरे पास नहीं है, मैं जोकिंग लिख दे, उसका पपट को दी फट गया लॉल। अरे भी मार क्यों रहा है भी? ओके तो आ जा भाई, वहाँ पर गोल्डन स्वॉर्ड उसकी वहीं पर पड़ी हुई है। टूल्स तो ऐसे ही बढ़ाया, अच्छा लगता है, फीलिंग आती है। अरे आ क्यों नहीं रहा भाई, कितना टाइम लगा। हाँ मैं अभी तक 4 राउंड मैं ही जीता हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। तो मतलब मैं 10 में से अगर वो 7 ना 6 ना जीत जाए, मैं 6 ही बोला था लास्ट टाइम भाई। वो अब मैं उसको बताता हूँ ना भाई, मैं उस समय उससे स्टार्ट लिख दिया, मुझे पता भी नहीं चला, मैं जैसे तैसे बचा, आप पता चलेगा लॉल। अरे यार मैं टीम में लिख दिया भाई, मैंने अभी मुझे पता चला, मैंने टीम में लिख दिया भाई, वो टीम में अपने आप ही होता है भाई, क्या बात हुई है, अपने आप टीम में होता है मतलब। अब मैंने किया भी नहीं, अपने आप ही भाई। अभी मैं फिलहाल यहाँ पर 5 राउंड तो जीत चुका हूँ, आई होप कि छठवा भी मैं ही जीत जाऊँ। तो यहाँ पर अभी चलते हैं हम लोग, यहाँ पर अभी भी उसके पास, यहाँ पर अरे भाई मैंने जी लिख रहा था भाई गलती से, अभी तक उसके पास AF की इसका पपेट। अब मैं काम करता हूँ, मैं आयरन की स्वॉर्ड यूज़ करूँगा। ओके तो मैं इस बार आयरन स्वॉर्ड यूज, आई होप कि मैं भाई आ चुका स्टार्ट लिखते भाई, मैं समझ गया उसके स्वॉर्ड को। भाई भाई मुझे ये 6 किल हो जाए ना तो भी मैं भी जीत गया भाई। भाई 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 10 में से 6 हो जाए तो भाई, हाँ हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाए, जीत गया मैं, जीत गया। अब टेंशन लेने की बात ही नहीं, क्योंकि हो भी उसके 4 ही पाएंगे वैसे भी। अच्छा माई स्क्रीन एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ नंबर 1, ये हमारे 6 राउंड हुए उसमें 6 बार मैं जीता हूँ, ये एक बार भी नहीं जीता है, एक एक्सक्यूज़ हो चुका है, मेरे 0 एक्सक्यूज़ है। अब एमरल्स को अलाउ करते हैं हम लोग, सोच रहा हूँ कि अब एमरल्स को अलाउ करते हैं, एमरल्स भी दे देता हूँ। नो नहीं ठीक है, फेंक दिए, लेकिन इस बार मैं गोल्डन सॉर्ड यूज़ करने वाला हूँ। वैसे सच बताऊँ तो अभी यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। वैसे आया ये कहाँ गया, आर्मर इसके पास ऑलरेडी तो आ चुका है गोल्ड का, एमरल्ड्स तो मना करके रखा है, डायमंड्स क्यों ले रहा है, डायमंड्स भी अलाउ नहीं है। मैं उसको ब्रिजिंग कर रहा था, मैंने एक गलती से गोल्डन स्वॉर्ड भी अलाउ ही करते, छोड़ो ये एमरल्ड्स ले रहा है भाई, जिसने मुझे खुद बोला कि एमरल्ड्स अलाउड नहीं है, खुद ले रहा है बैठा हुआ। रुको देखते हैं भाई, एमरल्ड्स अला, मैंने अभी उसने मुझे नो बोला, आपने भी देखा होगा, और मैंने जब पूछा तो आप क्यों ले रहा है भाई वो, मतलब मुझे भी चाहिए फिर एमरल्ड्स, हो सकता है वो कुछ और चीज़ के लिए लिख रहा हूँ। ये क्या वही हूँ मैं, आर्मर भी अभी अच्छा नहीं, सीधे स्टार्ट वही है क्या, आपने आप जल्दी में टेक है सर, ठीक है जो डायमंड की लैगिंग्स और बूट्स पहले बाय करते हैं। ओ बस ये एमरल्ड आ जाए, नहीं कब आएगा, हाँ आ गया, अब बस चेस्ट प्लेट चाहिए, और वैसे स्वॉर्ड तो गोल्ड ही यूज़ करनी है, और अभी अटैक अभी चुपके से अटैक करते, डन गोल्ड स्वॉर्ड, हाँ
मजाक कर। ओके दो आ चुके हैं, अब बस दो और चाहिए। आ गया, वेट ये मन्ना। अरे भाई लीपिंग क्यों यूज़ कर रहा है भी, मतलब आर्मर के लिए अलाउ किया था, पोशंस के लिए तो इसी ने मना किया था भाई, पोशंस क्यों यूज़। एमरल्ड्स भी ले लिए सीरियसली। ये भाई स्टॉर्म भाई क्या बंदा है। वो ठीक है अभी आ चुका है। ओके तो मैं इसको लिख देता हूँ। ये लीपिंग नहीं भाई, लीपिंग मुझे लग रहा है कि वो लीपिंग अब यूज़ कर लेगा भाई, मेरे पास तो लीपिंग भी सीरियसली भाई। कब बस ब्लॉक्स की तो कोई कमी नहीं है भाई, पूरे 700 से भी ज़्यादा है, 800। ओके लेट, अरे पोशन यूज़ नहीं कर, इसके पपेट को मार देता, बड़ा वो लीपिंग यूज़ कर रहा है। लीपिंग नहीं भाई, नॉर्मल पीपी करो, डायमंड आर्मर अलाउ कर दिया वही बहुत है। अच्छा वही बोल रहा है कि पोशन को ओवर होने दो, मैंने कुछ और ही समझ लिया, मुझे लग रहा था कि वो यहाँ पर बोल रहा है कि पोश भाई गो, मैं सीधे गो लिखता हूँ, छोड़ो उसके, इसके लिए वेट करते हैं, इस बार थोड़ी सी नूबनेस करते हैं। मैं चाहता हूँ कि डाई वाली बैटल बहुत लंबी चले, वैसे भी अब जीतना ही तो है, क्या टेंशन की भी क्या बात है, वैसे भी मार देंगे, थोड़ा बहुत डैमेज देने देते हैं। ईजी भाई ये भाई बहुत लंबी बैटल तो चल रही है, इसको मैं लिखता हूँ हार्ड अभी, असल में मैं जानबूझ के थोड़ी बहुत नूबनेस कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि वैसे भी हम लोग जीतने ही वाले हैं थोड़ी बहुत, तो अगर कभी जीत भी जाए तो भी ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अभी भाई जल्दी भी इस बार हम, लेकिन मरना नहीं है बस, कभी मर भी जाए तो ठीक है, अभी तो नहीं मरना, अभी सात हो जाएंगे तो फिर मतलब सात भी ठीक है, ईजी। वैसे सच बताऊँ तो मैं इसको हार्ड लिखने वाला हूँ अगेन। ओके ये सब अभी तक नहीं समझा कि इसने स्वॉर्ड इफेक्ट इक्विप किया है इसलिए है, पर क्या करने वाला है एमरल्ड्स की। पहले मैं खुद तो ले लूँ फिर दूंगा ना, मैं मुझसे बोल रहा था कि मैं खुद लूँ और मुझसे मांग रहा है भी, मैं उसका सर्वेंट थोड़ी ना हूँ, आर यू सीरियस। कहाँ गया, गिर गया। अच्छा मुझे लगा कि गिर गया, मैंने अपने आप ही सोच लिया, लॉल। ओके अरे जल्दी लो ना, क्या कर रहा है अभी। ओके ले लिया, डायमंड डायमंड आ गया, अभी ये सीधे स्टार्ट जाएगा पक्का, अभी स्टार्ट मैसेज आएगा, हाँ हो चुका है, बोल चुका है वो, तभी स्वॉर्ड पकड़ी उसने, अभी नूबनेस कर ही थे, 7 किल्स तो हो ही चुके हैं वैसे भी, 7 किल्स तो हो ही चुके, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, नूबनेस कर लेते, थोड़े बहुत राउंड जिता देते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिता देते हैं भाई, भी HP कम है फिर ठीक है, जिता देते हैं इस राउंड को, जिता देते हैं थोड़ी बहुत नूबनेस करके। और मैं इसको लिख देता हूँ कि यू वन मतलब ना, अब यहाँ पर ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट राउंड पे आते सीधे। ओके तो यहाँ पर अब 8वां मैच शुरू हो चुका है और अभी मैं डायमंड आर्मर लेने वाला हूँ, अरे भाई मैं गोल्डन में क्यों। ओके स्टार्ट, यस लिखते हैं उसको, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने का पूछ रहा हूँ इसलिए यस। तो TNT मजाक कर रहा हूँ, TNT वायर नहीं करने वाला। तो गोल आप कर चुका है, स्वॉर्ड इफेक्ट मैं इसको अभी लिख देता हूँ। अरे भाई हे कि समय क्यों मारा अभी, क्या टाइमिंग भाई, क्या टाइमिंग, अरे वेट करो ना, क्या बंदा है। मैं उसको अभी बोलने वाला हूँ कि भाई ऐसी ऐसी, तब से यहाँ पर मैं उसको मतलब अभी तक समझा नहीं कि स्वॉर्ड इफेक्ट अनइक्विप करो, इट गिव स्लो लीचिंग, इसलिए वो तब से मैं हार रहा था, तब से मतलब मैं हरा रहा था। वैसे अभी मैं कोई नॉर्मल PvP नूबनेस ही करने वाला हूँ, वैसे एक्चुअली नॉट इवन जोकिंग। ओके
मतलब थोड़ा बहुत जिताना अच्छा लगता है। अभी तक हमारे 8 मैचेस हो चुके हैं, तो ये स्पेलिंग अपने आप, उसमें से एक ये जीता है अभी और 2-5-7 मैच जीते हैं। अब इसने अनइक्विप कर चुका है गो, हाँ अब नहीं है इसके पास, अब देख लो भाई। अब वैसे मैं सच बताऊँ तो अभी मैं इसके साथ थोड़े बहुत नूब ही फाइट करूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है, इस बार जिता देते हैं। थोड़ा आप थोड़ा नूबनेस करते हैं, ओके ओके आप थोड़ा बहुत नूबनेस ही करते हैं, आप थोड़ी और नूबनेस करते हैं, लेट्स आप थोड़ी आप थोड़ा सा प्रोनेस दिखाने की ज़रूरत आ चुकी है, आप थोड़ा सा प्रोनेस दिखानी है, आप थोड़ा सा नूबनेस दिखा देते हैं, आप थोड़ी आप नहीं 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 आई थिंक मैं गया आई एम डेड। थोड़ा बहुत पार्ट स्किप हो गया, पर उस राउंड में वो ही जीता था, तो अभी तक यहाँ पर हो चुके हैं हमारे 9 राउंड और ये हमारा फाइनल राउंड है। 9 में से भी मैं 7 मैच जीता हूँ, 2 वो जीत चुका है और ये फाइनल मैच है हमारा। इसमें मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं 21 करने वाला हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो मैं यहाँ पर ऐसे पूछ रहा कि गॉब्लिन को सपोर्ट करते हैं ये प्लांट को, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ जो चीज़ करने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ पर इसमें बस ट्विस्ट है। मैं ये बोल रहा था जो चीज़ मैं करने वाला है हम लोग वो ये है कि एमरल्ड्स को हम लोग इस बार लेंगे और डायमंड सॉर्ड भी लेंगे। मतलब अभी तक तो हम लोग गोल्ड सिर्फ गोल्ड सॉर्ड यूज़ कर रहे थे, अब डायमंड सॉर्ड भी यूज़ करेंगे। आई थिंक नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर बहुत टाइम लगेगा और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम लगे, इसलिए यहाँ पर मैं इसको सिर्फ गोल्ड के लिए ही बोलते हैं। हमारी फाइनल 5 गोल्ड की होगी और मैं ब्रैड को ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि हाँ क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा क्योंकि फिर यहाँ पर बोर होंगे हमारे व्यूअर्स, तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत जल्दी करते हैं हम लोग। आई होप उस समय यहाँ पर लेवल भी बढ़ चुका था तो जल्दी जल्दी मिल रहे थे, अब फिर से उतना टाइम लगेगा भाई, बहुत देर लगेगी सही में यार, ये चीज़ गलत है भाई। उस मैच में सीरियसली मैं पहले ही बैट तोड़ दिया, फिर स्टॉम गिर गया, नॉट इवन जोकिंग, मेरा बैट नहीं तोड़ा था, मैंने पहले तोड़ा था लेकिन गिर गया वो। और ठीक है, हॉर्न में क्या है, लेट्स सी। पहले तो मैंने यहाँ पे मैं वो 6 गोल्ड यहाँ पे मैंने रेस्क्यू प्लेटफॉर्म के लिए ले लिए, मैं लेगिंग्स और बूट्स खरीद लेता, पर मुझे उस समय सोच लिया होता तो अच्छा रहता, अभी मैंने आप क्यों सोचा सीरियसली। ओ भाई क्या करें भाई, मैं मूर्ख इंसान हूँ, कितना मूर्ख इंसान हूँ मैं सच्ची में, नॉट इवन जोकिंग भाई, बैट तो मैं तोड़ूंगा ही, नॉट इवन जोकिंग ये भले ही मैं यहाँ पर मतलब मैं भी यहाँ पर भले ही बैट तब से मैं टाइम वेस्ट कर रहा था ऐसे उड़शियर्स को, वहाँ पर बैट तो तोड़ के ही रहना है भाई, चाहे वो कोई भी हो। आखिरी बॉल भी खरीद लेते हैं, अभी भी कोई ब्लॉक्स की कमी भी नहीं है, अभी कोई ब्लॉक्स की कमी ही नहीं है, अभी 400 से भी ज़्यादा ब्लॉक्स है, अभी ब्रिजिंग करके जाते हैं मस्त। एमरल्ड्स तो नहीं लेने वाला क्योंकि अलाउड नहीं है, बस लेगिंग्स और बूट्स चाहिए, मेरे बूट्स चाहिए, लेगिंग्स और चेस्ट प्लेट मैं ले चुका हूँ और इसका पपेट लगा है, मैं इसके पपेट को मारने वाला हूँ, नॉट इवन जोकिंग, अब इसके पपेट को मैं मारने वाला हूँ। अभी तक तो वैसे ही 0 HP पे था। अब देखते कि हमारे हॉर्न में यहाँ पर क्या है, ओ हमें 10 सींग मिले, TNT समझे, कुछ समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। TNT को यूज़ करने वाले हैं, अब मैं उसको ग्रीन में बोलाता हूँ फिर सीधे PvP करेंगे, मतलब TNT यूज़ करने का टाइम आ चुका है। वही TNT का यूज़ करने वाले हैं हम लोग, मैं इसको पहले तो गो लिखता हूँ, अब इसका थोड़ा रिएक्शन थोड़ी बहुत PvP ऐसी कर लेते हैं, ओके और अब यहाँ पर लो वो नहीं मैं एक HP पे बचाऊँ, ये गिर गया क्या यार, उसके पास पैराग्लाइड, अगर गिर जाता तो भाई वीडियो बन जाता भाई, मज़ा आ जाती, लेकिन अब भागना पड़ेगा क्योंकि ये आता होगा। ये क्या
लॉल ये क्या लिखा है, ईयू जो भी हो भाई, TNT ले लेते हैं पहले तो। लॉल प्रैंक, अभी भी हम लोग प्रैंक से मान, प्रैंक अभी भी करेंगे हम लोग, अभी मैं ऐसे पीपी करूँगा ऊपर से, और अभी इसका ध्यान वहाँ पर है तो क्यों ना हम लोग बीच में से यहाँ पर ये ब्रिजिंग कर रहा होगा, पीछे से उसको रिपेल मार देंगे, मजा आएगी, रिपेल पीछे से मार देंगे वो गिर जाएगा फिर रेस्क्यू प्लेटफॉर्म लगा देंगे ताकि ऊपर, वैसे ही गिर चुका है RIP भाई। इसकी HP बहुत है, इसको ऐसे TNT का झटका देते हैं मस्त। ओके इजी डिफीट, तो 10 में से वो 3 जीत चुका है, 4 मैं जीता।